दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी ANM 92-12 नियुक्ति पत्र के संदर्भ में लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार ANM 92-12 नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह कब किया जाएगा, और आप लगातार ये कह रहे थे कि नगर निकाय चुनाव की जो आचार संहिता थी वो सब समाप्त हो चुके हैं। आचार संहिता के बाद एक संभावना जाहिर की जा रही थी कि नियुक्ति पत्र अब आपका जारी किया जाएगा, तो बिल्कुल उसके संदर्भ में क्या कुछ कैसे हैं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देख पा रहे हैं आचार संहिता समाप्त, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिल्कुल इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं अब होगा नियुक्ति पत्र का वितरण। अगर देखा जाए जितनी भी ANM बहनें हैं सभी के मन में हमेशा यह विचार उठता रहता है कि आखिरकार नियुक्ति पत्र का वितरण कब किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम बात करेंगे कि अब नियुक्ति पत्र आपका कब तक वितरित होगा, क्योंकि आचार संहिता आपके बीच में एक रोड़ा बना हुआ था, वह आचार संहिता आपका समाप्त हो चुका है। और नीचे देख पा रहे हैं 16 मई हो जाओ तैयार, कॉज लिस्ट हुई जारी, 18 मई को फाइनल सुनवाई। आपको पता है कि 18 मई सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई है, तो क्या 18 मई को आपकी फाइनल सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है, फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। सबसे पहले हम आपको एक ऑफिशियल स्टेटस दिखाना चाहेंगे, या आप देख पा रहे हैं आपके बीच में ऑफिशियल स्टेटस लगा है, डिटेल्स आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। पूनम द्विवेदी एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, मेंशन मेमो के तहत आप देख पा रहे हैं यह आपकी कॉज लिस्ट रखी हुई है। आप लगातार ये कह रहे हैं कि भैया केस हमारा रिजॉइंडर हुआ जो हुआ या नहीं हुआ, लिस्टेड हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए कॉज लिस्ट आपकी जारी हुई है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, 18 मई को ये उम्मीद जताई जा रही है कि 100% आपकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, और इधर जो आप पूछ रहे थे यहाँ देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ठीक है, आप ये पूछ रहे थे यहाँ नीचे देख पा रहे हैं 16 मई हो जाओ तैयार। देखिए कल के डेट में एक विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है इस 18 मई को सुनवाई को देखते हुए। ठीक है, अगर देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कल की डेट में अगर लखनऊ आप पहुँचते हैं और हमें आपको पहुँचना है यूपी ट्रिपल एससी पर बखूबी हमें दबाव बनाना है, इस तरह से दबाव बनाना है ताकि 18 मई को हमारा केस फाइनल हो जाए। ठीक है, अगर हम आप कल के डेट में लगभग 4 से 5 हजार संख्याएं हमारी हो जाती हैं तो यह मानकर चलिएगा कि हम आप बेहतर परिणाम तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आप 100-200 तक रहते हैं तो 100-200 की संख्या कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, वहां जाना व्यर्थ होगा। इस वजह से जितने भी ANM बहने हैं ऐसा मत करिएगा कि किसी दूसरों के कंधों पर रखकर आप काम चला लीजिए। ठीक है, कुछ लोग हैं इस तरह से सोचेंगे कि फलाने जा रहे हैं डकाने जा रहे हैं, हम काहे को जाएं, उन्हीं की जाने से हो जाएगा। ठीक है, यही चीजें सब लोग सोचने लगेंगे तो आप जो है धरना प्रदर्शन में आपकी स्थिति गड़बड़ निकल जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा 16 तारीख के डेट में आप सभी को आमंत्रित मैं कर रहा हूं जो है नियुक्ति पत्र के संदर्भ में UP SSSC आयोग चलने के लिए। आप भारी से भारी संख्या में वहां जरूर पहुंचिएगा, और 18 मई को अगर हम कल के डेट में UP SSSC पर दबाव बना ले जाते हैं तो परसों यह कहा जाए नर्सों के डेट में 18 मई को या कहा जाए साफ तौर पर, तो हम आप एक बेहतर स्थिति पहुंचकर जो है आयोग पूरी तरह से अगर कोर्ट के ऊपर ये पैरवी करेगा तो फाइनल सुनवाई हमारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए भारी से भारी संख्या में कल के डेट में आप सभी को UP SSSC आयोग पहुंचना है। ठीक है, यहां नियुक्ति पत्र कब तक वितरित होगा, आचार संहिता आपकी समाप्त हो चुकी है, आचार संहिता को देखते हुए हम लोग कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शांत तरीके से जो भी अगर बात करें हम नियुक्ति पत्र के लिए जो है लेटर वगैरह जहां भी देना रहता था PM को भी भेज दिया गया है। ठीक है, आपने देखा जो है अगर देखा जाए बड़ी से बड़ी संख्या में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नियुक्ति पत्र के लिए ज्ञापन सौंपा है विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों को। ठीक है, तो ये भी अगर देखा जाए तो एक काबिले तारीफ काम है। तो फिलहाल के लिए मैं लास्ट में कहना चाहूँगा आचार संहिता समाप्त तो हो चुकी है, बिना डरे बिना सहमे हमें और आपको भारी संख्या में कल के डेट में लखनऊ पहुँचना है नियुक्ति पत्र के संदर्भ में। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।